नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आरपीएफ ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अपडेट के बारे में। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आपका आरपीएफ का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। जो आपकी आरआरबी की वेबसाइट है उसके माध्यम से है जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो 14/3 आपके 2024 की नोटिफिकेशन डेट उसमें जारी की गई है। तो साथियों आपको मैं बता दूं, इससे पहले एक आरआरबी वैकेंसी जो 4660 पोस्ट थी जिसमें आपके एसआई की वैकेंसी 452 व आपके कांस्टेबल की वैकेंसी 4208 वैकेंसी थी, जिसका नोटिफिकेशन आपके रोजगार सेंटर पे या आपके रोजगार साइट पे क्या हुआ था, अपलोड हुआ था। लेकिन अब आपके जो आरआरबी है उसके द्वारा है जो कि क्या कर दिया गया है, आरपीएफ का नोटिफिकेशन अपलोड कर दिया गया है। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से पूरा अपडेट देख लेते हैं कि किस आरआरबी पे ये आपका नोटिफिकेशन अपडेट हुआ है और किस प्रकार के इसमें नोटिफिकेशन में जानकारी दी गई है, क्या प्रोसेस यहाँ पे दी गई है। तो आपको सबसे पहले गूगल क्रोम में जाना है। गूगल क्रोम में जाके आपको क्या करना है, आरआरबी भोपाल है जो टाइप करना है, और आरआरबी भोपाल टाइप करोगे तो आपके ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी rrbbhopal.gov.in। तो इस पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी आरआरबी भोपाल वेबसाइट है वो यहाँ पे खुल जाएगी, रेलवे भर्ती बोर्ड भोपाल, भारत सरकार रेल मंत्रालय, ये आपके रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड भोपाल। यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे जाना है। नीचे आपको CN 2024 ये आपको टेक्नीशियन की वैकेंसी के बारे में नोटिफिकेशन है, ये आपके लोको पायलट के बारे में। यहाँ से आप जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो आपके नोटिस आया हुआ है 14/3/2024 की डेट में। तो आपको क्या करना है, 14/3/2024 की डेट में दो नोटिफिकेशन है, एक आपके टेक्नीशियन का, एक है आपके आरपीएफ का। तो आरपीएफ का नोटिफिकेशन है उसको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा, और डाउनलोड होते ही आप इसको क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, और इसमें जानकारी दी गई उसमें हमें देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से नोटिस जारी हुआ है कि एन इंडक्टिव आपके इम्प्लॉयमेंट नोटिस और नंबर आपके आरआरबी एससी एडीवीटी आपके CN RPF 01/2024 RPF 02/2024, मतलब ये आरपीएफ जो RPF 01/2024 है ये तो आपके एसआई के लिए और 02/2024 है वो आपके कांस्टेबल के लिए। रिगार्डिंग सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉय नोटिस CN नंबर RPF 01/2024 फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर एंड आपके सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉय नोटिस CN नंबर आपके RPF 02/2024 फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ कांस्टेबल, मतलब इसमें से जो एक नंबर है वो तो किसका है, आपके एसआई का, और कांस्टेबल का कौन सा, 02/2024 है। रिक्वायरमेंट ऑफ कांस्टेबल इन रेलवे आपके प्रोटेक्शन फोर्स एंड रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स, मतलब आरपीएफ और आरपीएसएफ वाज पब्लिश इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज, न्यूज जो रोजगार समाचार है वहां पे दी गई थी। कब, 2/3/2024 को ये जारी कब की गई थी न्यूज, 2/3/2024 को ये आपके जारी हुई थी। यहाँ पे हम बात करें उसके बाद, तो उसके बाद आपके क्या किया गया, यहाँ पे आपके डिटेल सेंट्रल नंबर आपके सेंट्रलाइज नंबर है जो आपके क्या दिए गए, RPF 01/2024 एंड डिटेल CN RPF 02/2024 विल बी पब्लिश ऑन 15/4/2024, मतलब ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपके 15/4/2024 को यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, आपके जो है पब्लिश कर दिया जाएगा। और देखा जाए कि इसका जो ऑनलाइन आवेदन है वो कब से स्टार्ट होगा वो भी हम देख लेते हैं। एंड द लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, और जो आपकी लिंक है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, विल बी अवेलेबल ऑन द सेम डे, इसी दिन, मतलब 15/4/2024 को ही क्या कर दी जाएगी, आपके ऑनलाइन आवेदन के लिए लिंक है उसको क्या कर दी जाएगी, स्टार्ट कर दी जाएगी, ओपन कर दी जाएगी। द ऑफिशियल वेबसाइट द फॉलोइंग आरआरबीज, आपको इसकी किसी भी अपडेट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द फॉलोइंग आरआरबीज को क्या करना है, फॉलो करना है, और हम ऑफिशियल वेबसाइट को फॉलो करते हुए इस नोटिफिकेशन के माध्यम तक पहुंचे। तो साथियों आपके आरपीएफ की जो वैकेंसी थी, टोटल वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ था 4660, जिसमें से आपको 452 वैकेंसी है वो एसआई के लिए और आपको 4208 वैकेंसी है वो आपकी किसके लिए है, कॉन्स्टेबल के लिए। इस 452 वैकेंसी के लिए आपके ग्रेजुएशन होना क्या है, कंप्लीट होना चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए, और इसमें जो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10th पास रखी गई है, क्या रखी गई है, 10th पास रखी गई है, और इसकी जो पीईटी और आपके जो पीएमटी है वो भी करवाए जाते हैं। तो अब की बार क्या होगा, आपके एजेंसी के द्वारा ये सीबीटी करवाया जाएगा। सीबीटी किसके द्वारा करवाया जाएगा, आपके सीबीटी है वो एजेंसी के द्वारा करवाया जाएगा, और पीईटी और पीएमटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आरपीएफ खुद के द्वारा यहाँ पे करवाए जाएंगे। तो साथ ही उस पीईटी और पीएमटी के बारे में भी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा दी जाएगी कि इसमें क्या क्या पीईटी रखा गया और क्या क्या पीएमटी रखा गया है।
यहाँ से आप देख सकते हो आरआरबी वेबसाइट, अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, आपके चंडीगढ़, चेन्नई, आपके गुवाहाटी, जम्मू कश्मीर, कोलकाता, नालंदा, मुंबई, मुजफ्फरनगर, पटना, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम और गोरखपुर। आल जितनी भी वेबसाइट है यहाँ पे आप देख सकते हो, आल टोटल वेबसाइट है आपके, उसपे क्या है जो आपकी वेबसाइट है 21 वेबसाइट उस पे ये आपके नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। डेट आपको दी गई है 14/3/2024 को। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड रेफर ओनली द ऑफिशियल वेबसाइट। आपको ऑफिशियल वेबसाइट क्या करना है, बार बार चेक करना है। चेयरपर्सन रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, इसके द्वारा क्या किया गया है, जारी किया गया है। तो यह आपके आरपीएफ था उसका ये नोटिफिकेशन है, वो सच है, ऐसा नहीं है कि ये फेक नोटिफिकेशन है, क्योंकि भोपाल आरआरबी पर क्या कर दिया गया, इसको अपलोड कर दिया गया है और धीरे धीरे सभी आरआरबीज पे इस नोटिफिकेशन को डाल दिया जाएगा। तो साथियों आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो बेरोजगार युवा उनको पता लग सके कि आपकी आरपीएफ की वैकेंसी है वो जल्द ही रिलीज कर दी जाएगी।